स्वागत है आपका इंडिया की बात में मैं अभिसार शर्मा राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधी चुनौती दी है और महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर कांग्रेस पहली बार इतनी आक्रामक दिखाई दे रही है इंडिया की बात में आज मेरे साथ हैं भाषा और उर्मिलेश और इस खबर के तीन पहलू आपके सामने होंगे पहला पहलू राहुल गांधी ने सीधे तौर पर कहा है कि यह सरकार तानाशाही है भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार करके राहुल गांधी के बारे में कहा है कि गांधी परिवार देशद्रोही है इसका दूसरा पहलू महंगाई के मुद्दे पर आर पार मगर मोदी सरकार महंगाई मानती ही नहीं तो बहस कैसे होगी मुद्दा नंबर तीन जांच एजेंसीज का शिकंजा विपक्ष पर जिसके अंतर्गत एक लोकतांत्रिक सेटअप में उनका प्रदर्शन करना ही मुश्किल होता जा रहा है मगर सबसे पहले बात करते हैं आज कांग्रेस के प्रदर्शन की जैसे कि आप जानते हैं आज कांग्रेस ने प्रदर्शन किया राहुल गांधी ने सुबह शुरुआत की प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ निहायत ही उग्र तेवर में कहा कि मैं डरता नहीं हूं आपको कैसा लगता है तानाशाही वाले सेटअप में जीते हुए और इसके बाद कांग्रेस के जो तमाम सांसद थे काले वस्त्र पहनकर संसद पहुंचे जैसे कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं राहुल गांधी भी जब प्रदर्शन कर रहे थे तो उन्हें हिरासत में ले लिया गया यह दूसरी बार है जब उन्हें हिरासत में लिया गया है जाहिर सी बात है कांग्रेस अब उग्र हो रही है जो लोकतंत्र के लिहाज से एक बहुत अच्छी खबर है क्योंकि इस देश के अंदर एक एक्टिव विपक्ष का होना ही जरूरी है तो यह है इस खबर का पहला पहलू क्या है इस खबर का पंच बताएं उर्मिलेश अभिशार मैं समझता हूं कि जो हालात हैं देश के उसमें किसी भी सुसंगत विपक्षी दल का काम है लड़ना विरोध करना जनता के बीच जो विचार हैं उनको मुखरित करना क्योंकि जनता हमेशा नहीं खड़ी हो पाती कई बार तो मैं आपसे थोड़ा सा अलग कहूंगा शब्द यूज करूंगा आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी और विपक्ष बहुत उग्र दिख रहा है मैं कह रहा हूं बहुत संजीदा दिख रहा है बहुत गंभीर दिख रहा है अच्छे से विपक्ष की लड़ाई लड़ने की शुरुआत की है कांग्रेस ने कांग्रेस अब तक शायद ठीक से नहीं लड़ रही थी क्या है इस खबर का पंच बताएं भाषा बहुत साफ है कि कांग्रेस के लिए और सारे विपक्ष के लिए डू और डाई का मामला है जहां पर वो लोग पहुंचे हैं जहां पर भारतीय लोकतंत्र है अभी नहीं तो कभी नहीं जिस तरह से हमला है जितना तीखा हमला है और जिस तरह से इन्होंने मुद्दे को बीच में लाकर महंगाई और देश की अर्थव्यवस्था को केंद्र में लाकर राजनीति करने की कोशिश आ, करनी शुरू की है मुझे लगता है यह एक अच्छा संकेत है जब तक लड़ेंगे नहीं भिड़ेंगे नहीं पिटेंगे नहीं विपक्ष के तौर पर जनता के बीच स्थापित नहीं होंगे क्योंकि आंदोलन तो चल रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज उन आंदोलनों से बाहर थी इस समय लोकतंत्र के लिए आखिरी होप यही है विपक्ष सड़कों पर आए सीधे सीधे मुकाबला करें और तानाशाही राजनीति हो उसे तानाशाही क्या है इस पर आपका देखिए विपक्ष का हमेशा यह अधिकार होता है कि एक लोकतंत्र के अंदर वो अपनी बात रखें लोगों के मुद्दे को उठाएं मगर एक चीज जो हम देख रहे हैं कि विपक्ष के प्रोटेस्ट को देशद्रोह के साथ जोड़कर जोड़ देखा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी तो ऐसा कर ही रही है वो अपना पुराना राग अलाप रही है मगर दुख की बात यह है कि विपक्ष के प्रोटेस्ट को क्रिमिनलाइज किया जा रहा है उसे गुनाह के तौर पर पेश किया जा रहा है और इसमें भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र बहुत सक्रिय है मीडिया इसमें शामिल है जो इस देश की बहुत बड़ी त्रासदी है तो इस खबर की चर्चा को हम शुरुआत करते हैं राहुल खासे उग्र हैं उर्मिलेश जी मैं डरता नहीं हूं और न सिर्फ वो मोदी सरकार पर सीधा हमला बोल रहे हैं वो आरएसएस पर भी हमला बोल रहे हैं अब इससे दो चीज हो सकती है कांग्रेस या तो रिवाइव हो सकती है दूसरी तरफ मोदी सरकार और उग्र हो सकती है और आप जानते हैं उन पर किसी तरह का कोई अंकुश नहीं है तो क्या आप कांग्रेस के पास एकमात्र रास्ता है वो आगे बढ़े विपक्ष के पास एकमात्र रास्ता है आगे है बगैर लाग लपेट के अभी सर मैं समझता हूँ कांग्रेस को जैसा मैंने पहले आ, कहा कि पहले वो लड़ नहीं रही थी ज्यादातर ट्विटर पर थी सोशल मीडिया पर थी बयानों में थी अब सड़क पर भी है संसद में भी है बहुत संयत ढंग से बहुत संजीदा ढंग से वो प्रोटेस्ट कर रही है अब सवाल इस बात का है कि राहुल गांधी वैचारिक स्तर पर मैं समझता हूं कि अपनी माताजी सोनिया गांधी और अपने पिता राजीव गांधी दोनों के मुकाबले वैचारिक रूप से ज्यादा मुझे कंसिस्टेंट दिखते हैं सेकुलर डेमोक्रेटिक जो सोच है उसके हिसाब से उनमें एक ही चीज की कमी है और कमी रही है वो है कि जनता के बीच में कम्युनिकेशन स्थापित करना संवाद करना वो अगर कमी वो अपनी दूरी पूरी कर लेते हैं उसको अगर वो अचीव कर लेते हैं विपक्ष के नेता के तौर पे तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी ताकत के रूप में कांग्रेस रिवाइव कर सकती है लेकिन अगर सिर्फ बयानों तक सीमित रहते हैं तो आक्रामक होने का मौका या यूं कहा जाए काउंटर अटैक करने का मौका बीजेपी को मिलेगा आरएसएस पर एक वक्त आरएसएस पर जो राहुल गांधी की पोजीशन है वो पहले से है अगर आप उनके शुरुआती बयानों को देखें तो आरएसएस पर इसलिए उन पर नहीं सुने इवन राजीव गांधी जी के दौर को मैंने कवर किया है एक रिपोर्टर के तौर पे उनको भी नहीं सुना होगा आपने लेकिन राहुल गांधी शुरू से बोलते हैं आर के बारे में तो ये एक नई चीज है जो मैं समझता हूं कि इस पॉलिटिक्स का क्या रूप भविष्य का होगा इसके बारे में प्रेडिक्ट राजनेता है अच्छा, पे सीधे-सीधे बोलने वाले राहुल गांधी जो लगातार हमला बोल रहे रहे हैं हैं वो यही कह रहे हैं। आज भी जब उनसे पूछा गया कि पूरी व्यवस्था विपक्ष के खिलाफ है विपक्ष अपनी बात रखे तो कैसे रखे भाषा विपक्ष की दिक्कत ये भी है आपने देखा होगा अधिकतर न्यूज जो प्रोटेस्ट चल रहा है कांग्रेस का ये बता रहे हैं कि भाई सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर जो ईडी अंकुश डाल रही है कार्रवाई कर रही है उसके खिलाफ ये लोग सड़क पर उतरे यानी कि आप जनता को भी एक आंशिक सत्य पेश करें और विपक्ष को स्वार्थी के तौर पर पेश करें जी। मतलब इसलिए विपक्ष की लड़ाई और भी मुश्किल हो जाती है सेटअप में क्योंकि यहाँ पर जो अवधारणा का पूरा खेल है परसेप्शन का पूरा खेल है कि आप लोगों तक क्या संदेश पहुंचाएंगे काला कपड़ा पहनकर जिस तरह से सारे सांसद आज पहुंचे सदन में और एक संदेश पूरी देश में गया भाई देने की कोशिश है कि महंगाई पे हम लड़ रहे हैं सारे जो नेता है वो उसी पे बोल रहे हैं तो मुझे लगता है ये जो एक बहुत बड़ी बात आज राहुल गांधी ने बोली और जो कंपेयर किया भारत को जर्मनी के दौर से वो बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि और उसके साथ साथ जो ये कहा कि लोकतंत्र के सारे खंबे वहां पे जुड़े हुए हैं यानी लड़ाई अब इसी तरह से कांग्रेस लड़ पाएगी मेरा तो दूसरा कहना है अभिसार अगर ईडी का इस्तेमाल गलत ढंग से कांग्रेस के ऊपर हो रहा है तो कांग्रेस नहीं तो क्या हम आप लड़ेंगे क्या भाजपा लड़ेगी ईडी के खिलाफ तो ये जो दिखाया जा रहा है स्वार्थ स्वार्थ यानी क्या है यहां पर महंगाई पे बोलना स्वार्थ है बेरोजगारी पर बोलना स्वार्थ है ये जो पूरा अवधारणा परसेप्शन बनाया जा रहा है कि विपक्ष देश के विकास को नहीं देख रहा बाकी सारे मुद्दे गौड़ हो जाते हैं ये बहुत खतरनाक है क्योंकि उनका दिमाग बैठा हुआ है कि अगर हम चौबीस घंटे यही दिखाते रहेंगे तो जनता यही मानती रहेगी ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस मसलन मसलन और मलेशिया आपको याद है अग्निवीर के खिलाफ भी जो लोग मैदान में उतरे थे एक पूरा प्रचार तंत्र था था जो उसे जोड़ रहा था सेना सेना के के साथ कि तुम सेना के कि तुम खिलाफ खड़े हो गए यानी इंसान अगर अपनी नौकरी को अपनी नौकरी लेकर बात रख रहा है तो उसे भी आपने राष्ट्रवाद के साथ जोड़ दिया मगर मैं एक और चीज पूछना चाहता हूं राहुल गांधी ये जो स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं जिसमें वो मोदी सरकार को बार बार तानाशाही के साथ जोड़ रहे हैं आपको लगता है कि जनता में इसकी गूंज होगी जनता इससे आइडेंटिफाई कर पाएगी खासकर एक ऐसी जनता जो अभी उस नैरेटिव कि मौजूदा राजनीति में जो बड़ा गतिरोध है उसका यह सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है और मैं सच अगर कहूं तो आम जनता के बीच में यह डिस्कोर्स अभी तक नहीं गया है आम जनता के बड़े हिस्से तक यह जो डिस्कोर्स है अभी तक जो लिबरल खेमा है जो पढ़ा लिखा समझदार है जो शहरों में रहता है महानगरों में रहता है वहां तक चाहे कस... नहीं मगर, मगर मगर मैं एक एक मिनट मिनट आप ही से पूछूंगा मगर मैं आपसे इसलिए इतफाक नहीं रखता हूं कि जो सो so कॉल्ड जिसे आप पढ़ा लिखा कह रहे हैं ना उर्मिलेश जी सबसे ज्यादा ब्रेन वॉश्ड यही मिडिल क्लास भारतीय है वही मिडिल क्लास भारतीय उस तरह की बातें करता है कि देखिए साहब मोदी जी चले गए तो देश पर मुगलों का राज आ जाएगा सबसे ज्यादा ब्रेन वॉश अगर इस प्रोपेगेंडा से कोई है आ, उर्मिलेश जी तो यही मिडिल क्लास है जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं मैं 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 आपकी बात समझ रहा हूं और ज्यादातर लोग ऐसा ही सोचते हैं लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता और उसके पीछे स्ट्रॉन्ग लॉजिक है क्योंकि मैं तथ्यों के आधार पर बोल रहा हूं देखिए भारत में जो बहुत बड़ा हिस्सा जनता का है जो गांव में रहता है कस्बों में रहता है सेमी अर्बन एरियाज़ में रहता है इवन अर्बन एरियाज़ में रहता है और जो गरीब है जो बहुत साधारण है जिसको सरकार की तरफ से बहुत सारी जिनको रेवड़ियाँ वो लोग कह रहे हैं बहुत सारे लोग बहुत सारे फ़ायदे दिए जा रहे हैं वो अपनी अपने अपने को आ, पांच किलो अनाज या चीनी या नमक इन चीजों से आगे नहीं जो तबका सोच रहा है या उससे ऊपर का एक तबका है जिसको लगता है कि कोई रिप हो हमें कहानी ये भी सोच है तो उस बड़े तबके तक जब तक ये राजनीतिक दल नहीं पहुंचते जैसे उदाहरण के तौर पे जैसे कोई विपक्ष का नेता या विपक्ष का सांसद जो बहुत मुखर है और वो अच्छी बातें बोलता है उसका डिस्कोर्स बहुत शानदार है बड़ा ही वैज्ञानिक को तर्क दे रहा है लेकिन जनता में वो नहीं पहुंच रहा है क्यों नहीं पहुंच रहा है क्योंकि जनता के पास टेलीविजन जैसा कोई माध्यम नहीं है टेलीविजन किसको सर्व कर रहा है पूरी तरह रोलिंग क्लास को समझ सर्व कर रहा है पूरी तरह सरकार का भोपु बना हुआ है। और वो टेलीविजन गांव के गांव के गांव के गांव के उस गरीब तबके गर तक भी हिंदी हार्ड के जरिए ऐसा प्रचार पहुंच रहा है मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़े एक सज्जन है वो एक भाजपा के सांसद से बात कर रहे थे और ये बात मुझे उसी भाजपा सांसद ने बताई जो भाजपा सांसद थोड़े से बगावती तेवर के हैं उन्होंने कहा कि देखिए ये जो रवीश हैं अभिसार हैं या न्यूज क्लिक में या ये लोग ज्यादा से ज्यादा कितने लोगों तक पहुंचेंगे एक करोड़ लोग तक हम सिर्फ व्हाट्सऐप के जरिए सत्रह करोड़ से बीस करोड़ लोगों तक पहुंच रहे हैं इनका विश्वास इस मुद्दे पर है जी। तो इनका विश्वास इस बात पर आता है और इसी से जुड़ा हुआ मेरा आपसे सवाल कि जो प्रोटेस्ट को क्रिमिनलाइज किया जा रहा है इसका भविष्य क्या है जी आ, सबसे पहले तो अभिसार मैं उर्मिलेश जी की बात से थोड़ा सा इत्फाक नहीं रखती हूँ क्योंकि मेरा ये मानना है और अभी जो हाल में मतलब अगर ज्यादा दूर ना जाए दिल्ली में जो नरेगा को लेकर मजदूर बड़े पैमाने पर आए थे हजार के आ, संख्या में थे सत्रह पंद्रह से सत्रह राज्यों से वे सब गांव देहात से थे अपनी शुद्ध मांग लेकर आए थे कि हमने मजदूरी की और हमें मोदी सरकार एक एक आदमी से जिससे जिससे मैंने बात की पंद्रह राज्यों के पंद्रह लोगों से कम से कम सब एक ही ढंग से बोल रहे थे कि हमें और कुछ नहीं चाहिए मोदी सरकार गरीब के पक्ष में नहीं है नहीं। तो एक तरफ वो बात तो सही है जो उर्मिलेश जी कह रहे हैं कि इतने बड़े पैमाने पर राशन जा रहा है लेकिन वही जनता मार भी खा रही है और वो जनता विकल्प के लिए खोज रही है जो विपक्ष नहीं दे पा रहा रीच आउट नहीं, हाँ, नहीं वो पहुंच भी नहीं पा रहे की कोशिश में है तमाम हर्डल्स हैं और जो आपका सवाल है कि जिस तरह से भाई आप कैसे पहुंचेंगे आप प्रोटेस्ट करेंगे धरना करेंगे प्रदर्शन करेंगे लोगों तक जाएंगे लोगों को मोबिलाइज करेंगे इसीलिए आप देखिए कि इस समय जब देश इतने गहरे संकट में है महंगाई चरम सीमा पर है बेरोजगारी चरम सीमा पर है तब ईडी काम करती है विपक्ष को घेरती है ताकि विपक्ष कहीं से भी प्रोटेस्ट का अपना जो डेमोक्रेटिक राइट है उस पर काम ना कर पाए और वो वहां पर चलिए ईडी की बात हम बाद में करेंगे अब इस कार्यक्रम का दूसरा पहलू है महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर कांग्रेस बेतहाशा उग्र है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निवास स्थान तक जाना चाहती थी मगर उसकी अनुमति पुलिस ने नहीं दी मगर एक दूसरा पहलू भी है महंगाई को यह सरकार मानती ही नहीं रुपए की कीमत गिर रही है तो निर्मला सीतारामन जब विपक्ष में थी तो कुछ और बयानात थे जैसे कि आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं आज वो कहती हैं कि अगर रुपया गिर रहा है डॉलर के मुकाबले तो रुपया अपनी दिशा खुद ढूंढ रहा है माना माना कि रुपये जो है वो अपना आत्ममंथन कर रहा है तो ये जो दोहरे मापदंड हैं महंगाई को लेकर और मानना ही नहीं इसे ये चिंताजनक बात है इस खबर में आपका क्या पंच है उर्मिलेश जी देखिए जहां तक महंगाई का प्रश्न है ये वाकई महंगाई अनप्रेसिडेंटेड है पहले के मुकाबले अगर देखा जाए तो ये बहुत जबरदस्त अटैक है जनता पर आम जनता पर लेकिन फिर मैं यही कहूंगा कि जनता त्राहिमाम कर रही है ये बात सही है लेकिन उसको उसको अवसर नहीं मिल रहा है कि वो कैसे प्रोटेस्ट करे क्योंकि उसको दबा दिया जाता है एक तरफ सरकारी प्रचार से सरकारी सरकारी जो हमले हैं उनसे और दूसरी बात कि लोकल लेवल पर लोग नहीं है जो उसकी आवाज को बुलंद करें तो सांगठनिक नेटवर्क की कमी है जो जनता को महंगाई के खिलाफ उतारे महंगाई और बेरोजगारी पर विपक्ष जो है उग्र है भाषा इस मुद्दे पर क्या है आपका पंच मानना है कि इस समय जो सरकार का रवैया है सरकार जिस तरह से डिनाइल में है याद आती है तस्वीर की जिस तरह से दिखाई देते हैं आग पे पट्टी बांधे हुए और सब कुछ भला दिखाई देता है तकरीबन मोदी सरकार सदन में यही रवैया अख्तियार किए कि हमें नहीं दिखाई दे रही महंगाई और बुनियादी चीजें जो उनको नहीं दिखाई दे रही जब सीवर और सेप्टिक टैंक में मौतें नहीं दिखाई दे रही इस सरकार को जिसे लेके वो लगातार झूठ बोल रही है तो एक चीज सरकार ने पकड़ ली है कि सच को नहीं देखना है डिनायल पहले से लेकर आखिरी तक उसका सबसे बड़ा डिफेंस है अभी आपका क्या है इस पर पंच इस मुद्दे पर मेरा पंच एकदम साफ है। भारतीय जनता पार्टी अपने इतिहास को ना भूले यह ना भूले जब वो विपक्ष में थे तब रुपये की गिरती सेहत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितनी बार सामने आकर कहते थे कि यह तय करना मुश्किल हो पा रहा है कि रुपया तेजी से गिर रहा है या सरकार का स्तर محترمہ स्मृति रानी बार-बार आकर प्रदर्शन किया करती थी सिलेंडर हाथ में लेकर तो कृपया अपना इतिहास ना भूलें और यह भारतीय जनता पार्टी का सरासर दोहरे मापदंड है गुरमेलीन जी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं मैंने संसद के अंदर जो बहस चली उसमें गोड्डा के बड़बोले सांसद हैं निशिकांत दुबे उनका बयान सुना हमारे प्रधानमंत्री यदि 80 करोड़ गरीबों को फ्री का खाना दे रहे हैं फ्री फंड का खाना दे रहे हैं तो क्या हम बधाई के पात्र नहीं है क्या हमको प्रधानमंत्री जी को बधाई नहीं देना चाहिए वो कहते हैं कि मोदी जी की तारीफ की जानी चाहिए क्योंकि मोदी जी ने गरीब को फ्री फंड का खाना दिया <laughs> फ्री फंड का खाना तुमने अपनी जेब से निकाल के गरीब को दिया सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए जो इतना खजाना आपने जमा किया क्या तुमने वहां से निकालकर जनता को दिया ये फ्री फंड का खाना क्या होता है निहायत ही इंसल्टिंग

किस तरह की भाषा वो बोलते हैं तो ये जो भाषा है उनकी ये उनके विचारों से निकले हुए शब्द हैं जो विचार होता है वही भाषा होती है दूसरी बात मैं कहूंगा कि जो मौजूदा सरकार है अभिसार इसकी जो आर्थिक नीतियां हैं महंगाई उसका बाई प्रोडक्ट है उसी का प्रतिफलन है आर्थिक नीतियों के स्तर पर ये सरकार अपने को बदल नहीं सकती क्योंकि यह दो चीजों से टिकी हुई है एक का नाम है हिंदुत्व और दूसरे का नाम है कारपोरेट समर्थन बड़े कारपोरेट का कुछ ही घरानों का यह जो इजारेदार जो बड़ा उद्योगपति है बड़ा पूंजीपति है उसके इंटरेस्ट के लिए काम करने वाली सरकार है खुलेआम यूपीए ने भी काम किया था यूपीए टू ने भी काफी नंगा नाच किया था प्रो कारपोरेट पॉलिसीज के तहत लेकिन वो इतने हद तक नहीं गई थी लेकिन उसी जमीन पर खड़ा होकर पर ये सरकार टंके की चोट पर कॉर्पोरेट की आवाज हमेशा बुलंद कर 5G में अभी क्या हुआ बताइए अभी कोई बोलने वाला है किसी मीडिया पर बस हो रही है किसी मेनस्ट्रीम चैनल पर कही? कोई बात नहीं है तो ये जो आ, आर्थिक नीतियां हैं दरअसल वो सरकार आर्थिक जो नीतियां हैं दरअसल महंगाई हो या जितने और संकट हैं अप, अपने समाज के लेकिन ये सरकार हिंदुत्व और कॉर्पोरेट के बल पर केवल अपनी नीतियां नहीं बनाती लोगों को मैनेज भी करती है लोगों को मैनेज करने का मतलब कि जो विभिन्न जाति विभिन्न समुदायों में बटा हुआ ये देश है ये देश दुनिया की अनोखे देशों में से एक है। जातियां और वर्ण व्यवस्था पूरी दुनिया में कहीं नहीं है कहीं नहीं है ऐसी स्थिति में इस देश को जिस तरह हिंदुत्व और जातियों के आधार पर मोबिलाइज और गोलबंद करके और एक तरह से किया है सरकार ने वो गजब का मैनेजमेंट है जो कांग्रेस के पास कभी नहीं आप जानते हैं है। और जानते यही वो कारण है कि लोग खड़े नहीं हो पा रहे आप जानते हैं भाषा आपसे अजीब गरीब बात क्या लगती है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपको भाषण याद होगा जिसमें वो ये कह रहे थे कि भाई हम एक ऐसी सरकार लाए हैं जहां मैक्सिमम गवर्नेंस और मिनिमम गवर्नमेंट है yes. और मैं ये भी नहीं भूला हूं जब वो कांग्रेस की आलोचना करते थे कि कांग्रेस की सरकार माई बाप की सरकार थी मगर आपने तो तमाम हदें पार कर दी है ना महंगाई को लेकर जब कोई प्रदर्शन करता है तो आप इस तरह के बयाना देते हैं आपको याद है वो भाजपा के एक मंत्री हैं बिहार के अंदर अगर आप जिंदा हैं तो इसका शुक्रिया मोदी जी को मोदी अदा, अदा कर आप छात्रों को यूक्रेन से आते हैं तो भाई आप लौट आए हो मोदी जी का शुक्रिया अदा करो ये जो पूरी सोच है आपने कांग्रेस की तो आलोचना की है कहकर कि माई बाप की सरकार थी और हम लोग जो है मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं मगर ये तमाम चीजों की तमाम हदें पार कर दी है सरकार ने क्योंकि इन्होंने ये भी स्टेब्लिश कर दिया अभी और आप देखिए कि ये जो इस बार हो रहा है मानसून सत्र ये बहुत अहम इसलिए है क्योंकि इस समय देश जिस संकट से था उस संकट को रिप्रेजेंट करने के लिए विपक्ष पहुंचा प्रोटेस्ट हुआ जो कि बुनियादी चीज थी लेकिन उसके उस पूरे प्रोटेस्ट को जिस तरह से इन्होंने कहा कि कांग्रेस देशद्रोही है बहुत बड़ा टर्म है छोटा टर्म नहीं।, नहीं है नहीं। कि जहां पे आप गांधी और गांधी परिवार को मतलब सबसे बड़ा जो आपका विपक्ष है आपने उसको सीधे-सीधे एंटी नेशनल अभी तक एंटी नेशनल की सूचियां बिल्कुल अलग-अलग थी लेकिन अब आप सीधे बता रहे हैं कि जो आपको टक्कर दे रहा है जो आपको चैलेंज कर रहा है आप उसको खुलकर एंटी uh, नेशनल कहेंगे और आप ये साबित करेंगे कि इनको विरोध करने का भी हक नहीं है जो कि बहुत बुनियादी चीज है तो मुझे लगता है लोकतंत्र को ये नए ढंग से लिखने रचने की भी मैं... कोशिश कर रहे हैं कि जहां पर विपक्ष ना हो हुँ. जहां पे विरोध ना हो और बस स्तुतिगान हो क्योंकि ये बहुत अहम आपने कहा कि यूक्रेन से लेके तमाम भाई आप हुँ. अनाज दे रहे हैं हुँ. मेरा आपका पैसा है वो बिल्कुल इस देश की जनता का पैसा है कर है जिससे आपने राशन बांट रहे हैं अस्सी करोड़ लोगों को मोदी जी का पैसा नहीं है या भाजपा का पैसा नहीं है लेकिन ये परसेप्शन बनाना आ, कि मोदी जी की वजह यानी आप राजा की वजह से तो बेसिकली इनकी सारी टर्मिनोलॉजी राजशाही वाली है लोकतंत्र शाही वाली नहीं है राजशाही वाली की एक राजा राजा है उस राजा का ही स्तुतिगान हो चारण बैठे हो विपक्ष नहीं चाहिए चारण करने वाले भाट करने वाले लोग चाहिए जो लगातार उनकी तारीफ में पुल बांधते रहें एक के बाद एक बोलते रहें ठीक है और अब इस कार्यक्रम का और इस विषय का आखिरी पहलू क्योंकि देखिए विपक्ष प्रदर्शन करता है मगर रोड़े कौन अपनाता है एक तो प्रचार तंत्र है जो यह कहता है कि गांधी परिवार देशद्रोही है यानी कि भारतीय जनता पार्टी के जो बयानात है उसे एम्प्लीफाई करता है दूसरी तरफ ईडी आपने देखा होगा संसद का सत्र चल रहा है राज्यसभा में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को संसद के सत्र के बीचों बीच बुलाया जाता है ईडी द्वारा राहुल गांधी पांच दिन थे ईडी में पचास घंटे थे सोनिया गांधी भी तीन दिन थी और आप देख रहे थे यंग इंडिया के दफ्तर को किस तरह से सील किया गया और न सिर्फ सील किया गया राहुल गांधी के घर के बाहर पुलिस कांग्रेस के दफ्तर के बाहर पुलिस उस दिन जब यह सील चल रहा था यानी कि कितने बड़े पैमाने पर यह जाल रचा जाता है और जांच एजेंसी किस तरह से विपक्ष को टेररइज करती हैं क्या है इस खबर का पंच बताएं उर्मिलेश अभिशार, मैं समझता हूं कि ईडी रोलिंग जो 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 तंत्र है भारत का मौजूदा इसके दमन उत्पीड़न का एक बहुत ही नए किस्म का बहुत भयावह किस्म का इंस्ट्रूमेंट बनकर यह संस्था उभरी है और पहले इस तरह का कोई तंत्र दिखाई नहीं पड़ता था जिस तरह का आज ये दिखाई पड़ा है इमरजेंसी में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी थी एक्सेसेस जब होती थी लेकिन यह बिल्कुल यूनिक है जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के हाल के फैसले से वैधता तक मिल गई है तो एक बहुत ही खतरनाक मंजर है जिसका मैं समझता हूं कि जवाब सिर्फ और सिर्फ आम जनता और विपक्ष की बड़ी एकता से ही संभव होगा क्या है इस खबर का पंच बताएं भाषा देखिए अभी सार मुझे तो दो तीन टर्म्स याद आ रहे हैं कि राजा नंगा है उसी तरह से इस समय ईडी का जो राज है वो पूरी नंगई पर है सबको पता है कि विपक्ष को निपटाने के लिए इस एजेंसी का इस्तेमाल है तो मुझे लग रहा है कि ईडी का नाम विपक्ष मैनेजमेंट या विपक्ष हैरेसमेंट एजेंसी के तौर पे रख देना चाहिए और उसके साथ साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जिस तरह से इसकी तरफ चारों तरफ सहमति बना दी गई है एक नया नॉर्मल रच दिया गया है कि ईडी यानी यही काम है वो एक बहुत खतरनाक है इसको लेकर कहीं से गुस्सा आक्रोश बाकी सिस्टम में नहीं दिखाई दे रहा अभी सर क्या है इस पर आपका पंच इस मुद्दे पर मेरा पंच ये है कि हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय की ताकतों को बरकरार रखा था सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने और यानी कि बगैर किसी जमीन के आपकी संपत्ति को कुर्क किया जा सकता है गिरफ्तारी हो सकती है दिक्कत यह है कि जब तक अदालतें इस बेपनाह ताकतों को लेकर उदासीन बनी रहेंगी ये खेल चलता रहेगा लोकतंत्र का मजाक उड़ता रहेगा और कहीं ना कहीं अदालतों को बहुत जरूरी है इस मुद्दे पर सक्रिय होकर तर्क संगत न्याय संगत बात रखने की आ, आ, उर्मिलेश जी मुझे सबसे ज्यादा हंसी तब आई जब मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा के अंदर बोल रहे थे कि संसद का सत्र चल रहा है मैंने ईडी से अपील की कि भाई मैं नहीं आ सकता और फिर भी उन्होंने कहा आप आइए तो माननीय पीयूष गोयल जी पलटकर कहते हैं कि भाई ईडी पर हमारा कोई हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है ईडी जो है स्वतंत्र संस्था है ये कैसी स्वतंत्र संस्था है जो एक ही दिशा में चलती है जो चलती है तो अनिल देशमुख के घर पहुंचती है नवाब मलिक के घर पहुंचती है संजय राउत के घर पहुंचती है सिर्फ विपक्ष सत्येंद्र जैन के घर पहुंचती है इसकी दिशा के बारे में कुछ करने की जरूरत है मेरे ख्याल से <laughs> देखिए अभिसार कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनकी बात तो अपनी जगह है लेकिन जो रीजनल सेंटर्स पर नेता हैं रीजनल पार्टियों के वो भी ये सवाल लगातार अब उठा रहे हैं कि भाई ये क्या ईडी है ये कौन सा ऐसा संगठन है जो सिर्फ और सिर्फ नॉन बीजेपी नेताओं और उनके दलों की तरफ ही केवल अपना मुंह करती है कोई भी बीजेपी का नेता आप देख लीजिए बीजेपी का समर्थक देख लीजिए कहीं भी ईडी ने किसी को निशाना नहीं बनाया एक छापेमारी नहीं हुई आठ साल के दौरान के टी रामाव ने एक सवाल किया कि भाई आठ साल के दौरान बता दे ईडी कि वो कब किसी बीजेपी के समर्थक बीजेपी के अपने नेता बीजेपी के उद्योगपति किसी के यहां उसने छापेमारी की हो और ईडी के पास कोई जवाब नहीं है सरकार के पास कोई जवाब नहीं है इन मंत्रियों के पास कोई जवाब नहीं है जो कह रहे हैं कि ये स्वतंत्र संस्था है देखिए सच्चाई यह है कि भारत में जिनको स्वतंत्र संस्था के रूप में विकसित होना चाहिए वे सारी की सारी संस्थाएं आज सत्ता की गुलाम बन गई है जो संवैधानिक संस्था ये तो प्रशासनिक संस्था है ये तो शासकीय संस्था है जो संवैधानिक संस्थाएं वो भी उनकी भी संवैधानिकता मर चुकी है या मर रही है तो ऐसे दौर में आप सीबीआई से या ईडी से या आईटी से ये उम्मीद करें कि ये अपने पैरों तले खड़ी हो जाएंगी और सच के साथ जाएंगी न्याय के साथ जाएंगी कानून के हिसाब से काम करेंगी ये बिल्कुल संभव नहीं एक ही एक सेकेंड एक ही तरीका है संभव करने का इनको कि ये ठीक से फंक्शन करें और वो ये है कि विपक्ष जो है इतनी ताकत बटोरे और वो ताकत विपक्ष को आवाज लगाने से नारे लगाने आपने, से आपने अच्छा आएगी। किया विपक्ष की सिर्फ बात सिर्फ जनता सिर्फ हाँ। जनता के जरिए आएगी हाँ। और जनता को जब तक वो अपने साथ नहीं करेंगे कुछ भी विपक्ष की नहीं आपने बात, बात की भाषा विपक्ष के पास खासकर कांग्रेस के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है कि वो लड़े क्योंकि देखिए ये एक ऐसा हथियार है जिसका कोई जवाब नहीं है और दिक्कत यह है कि विपक्ष लड़े तो लड़े मगर जब आप इन तमाम ईडी के केसेस में फंसे रहते हैं तो फिर आप अपने राजनीतिक अपनी राजनीति भी नहीं खेल पाते हैं। जी। क्योंकि एक तरफ प्रचार तंत्र चलता है कि देखो भ्रष्ट 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 हैं 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 मसलन आज जो कांग्रेस उतरी भी है तो अधिकतर मीडिया यह कह रहा है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी की जान बचाने के लिए उतरे हैं एक तरफ यह प्रचार तंत्र है दूसरी तरफ ईडी आपको लगातार ऑक्यूपाइड रखती है फिर आप अपनी राजनीति भी नहीं कर पाते जी। विपक्ष के पास सिवाय लड़ने के सिवाय आक्रामक होने के कोई रास्ता नहीं जी और देखिए जो आंकड़े हैं, जो इसी सदन में गृह मंत्रालय ने रखे हैं ईडी के बारे में वो बहुत कुछ बताने के लिए हैं कि 2014 से लेकर 2022 जो अभी चल रहा है 3000 से अधिक ईडी रेट्स पड़े हैं कितना परसेंटेज बढ़ा था मैं भूल दो क्योंकि उससे पहले का जो था वो दो सौ ग्यारह थे तो आप ये देख लीजिए दो हजार चार से लेकर दो हजार चौदह तक जो है दो सौ ग्यारह है और तीन हजार से अधिक ईडी रेट दो हजार से लेकर अभी तक हो गए तो मामला बहुत साफ है और दूसरी चीज जो मुझे लगता है विशार बहुत जरूरी है कि आप ईडी से लड़ेंगे कैसे आप कहां जाएंगे गुहार लगाने जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं कि जब आप अदालत पहुंचते हैं जहां से आपको उम्मीद है कि अदालत कुछ आपको न्याय देगी और ये ऐसी चीज है जो सबको पता है ईडी रेट पड़ती है सबको पता होता है कि वो विपक्ष पर पड़ने जा रही है हेडिंग पहले बन जाती है मीडिया घरों में तो अदालत को वो चीज जो इतनी खुली हुई है वो नहीं दिखाई देती और ईडी पर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाई और उन जज के बारे में भी बहुत डिस्कशन पब्लिक रिव्यू में है तो उससे बहुत साफ है कि अब आपको अदालत से भी राहत तो नहीं मिल सकती नहीं। तो आप जाएंगे कहा मैं थोड़ा सा ईडी से डायग्रेस कर रहा हूं आपने अदालत का जिक्र किया आ, केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन को कपन। फिर से बेल नहीं मिली है और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहुत महान बात कही है उन्होंने कहा कि एक केरल के पत्रकार को हाथरस जाने की क्या जरूरत है ऊपर से यह भी कहा कि इनका जो पैसा है वो भी टेंटेड हो सकता है अरे पहली बात क्या आप साल में फैसला करेंगे हाँ। और आप दो साल में वो पैसे का ट्रेल नहीं बता पाए बिल्कुल तो ये तो आपकी अकाउंटेबिलिटी बनती थी जांच एजेंसियों से वो नहीं आपने कहा हो सकता है हो सकने की आशंका पे एक पत्रकार को आपने जेल रखा और वो भी कपन जो की दिल्ली में बेस थे और लोगों के साथ जा रहे थे मतलब आप कोई हिडन नहीं वहां पहुंचे नहीं एक शब्द लिखा नहीं और दूसरी बात जो बहुत चिंता वाली है वहां पे जो उन्होंने लिखी जिसपे ध्यान देना बहुत जरूरी है कि उन्होंने कहा कि वो सांप्रदायिक हिंसा भड़काने या वॉयलेंस भड़काने का काम कर सकते थे हम वापिस ईडी के उसपे आते हैं अब ऐसे में देखिए हम ये नहीं कह कांग्रेस भी जब सत्ता में थी तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को लेकर उन्होंने भी अपने विरोधियों को परेशान किया हालांकि इस हद तक नहीं तो कर्म का सिद्धांत लागू हुआ है। और मुझे लगता है कि अगर ये सरकार बदल भी जाएगी तो जो भी सरकार आएगी वो इस हथियार को और धारधारी करने वाली है और पैनाई करने वाली है। और मिलेश जी क्योंकि वो समझ गए हैं कि इस हथियार के क्या फायदे हैं देखिए अभि सर मैं समझता हूं कि भारत की जो संवैधानिकता है हमारी जो 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 राजनीतिक सत्ता है इसमें बुनियादी समस्याएं आज़ादी के बाद से ही रही हैं ऐसा नहीं है कि हम बहुत शानदार थे बहुत ही सुसंगत लोकतंत्र थे बिल्कुल नहीं तो उसको हमें बेहतर करना था हम बेहतर नहीं कर सके और जितनी सारी गड़बड़ियाँ थीं जितना डिटोरिएशन था वो कलमिनेट कर गया आज और इतना खतरनाक ये ये संरचना बन गई है जो तानाशाही बिल्कुल तानाशाही का रूप उसने ले लिया है ऐसे में हमें फिर संवैधानिकता की तरफ लौटना पड़ेगा और उस संवैधानिकता की तरफ जिसमें जो हमारी कॉन्स्टिटेंट असेंबली में जिस पर लगातार सवाल उठाए गए थे और जो हमारे प्रियम्बुल में रिफ्लेक्ट होती है और वो ये कि हमें समता की तरफ जाना पड़ेगा हमें लिबर्टी की तरफ जाना पड़ेगा हमें भ्रातृत्व की तरफ जाना पड़ेगा और ये तभी संभव है जब कंसिस्टेंटली अपोजिशन की पार्टी जनता के पास जाएं उनको समझाएं ये छोटी लड़ाई नहीं है ये बहुत बड़ी लड़ाई है और इसमें वक्त लगेगा, वक्त इसका लगेगा। भीड़े कर... भीड़े बिना कुछ मिलेगा, नहीं कर... है बीजेपी और... ताकत जो आज इतनी पाई है वो अचानक नहीं पाई है लंबे कार्यकाल में उन्होंने काम करके पाया है और वो काम उसको अपवित्र कहिए बुरा कहिए लेकिन उन्होंने काम किया है दूसरे लोगों ने उनको मौका दिया है चलिए बहुत बहुत शुक्रिया उर्मिलेश जी आपका और भाषा इंडिया की बात में शरीक होने के लिए अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी आप सबसे अपील कि आप अपनी राय दें कि आपको इंडिया की बात कैसा लगा नमस्कार